अस्सलाम वालेकुम जी, औरत माच में इस वक्त हम मौजूद हैं और सारा सैयद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सारा, जहाँ तक मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, आप भी माशाल्लाह सिस्टर्स हैं। कितनी सिस्टर? तीन हैं, चार हैं? चार सिस्टर्स हैं। कभी आपको अपने फादर की जानिब से कोई ऐसा बिहेवियर फेस करना पड़ा कि मेरी चार बेटियाँ हैं, ये क्या वो क्या? नेवर, ही इज सो प्राउड ऑफ अस माशाल्लाह। तो फिर ये जो खवातीन आई हैं, ये कौन से ऐसे राइट्स हैं जिनको नहीं मिल रहे और जिसके लिए ये बाहर आ गई और ये सारा कुछ, ये ड्रामा जो हर साल पिछले चार पाँच साल से चल रहा है? आई थिंक ये इन्हीं से बेहतर है आप पूछें कि ये कौन से हकूक के लिए इधर आई हैं। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के दूध में सारे हकूक मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में अगर खवातीन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, एक कैटेगरी है हदीका के आने वाली कैटेगरी, 100 घर बलूचिस्तान में बनवाए, दूसरी कैटेगरी है मीशा शफी वाली, फेम हासिल करने के लिए एक अली ज़फ़र का नाम इस्तेमाल किया और हरासमेंट का केस और फिर सारा कुछ, क्या वो सारा कुछ करके फेम मिल गई या वो डीफेम हुई? आई थिंक वो डीफेम हुई है, ये पब्लिसिटी स्टंट था जैसे अभी आपने भी कहा, तो आई थिंक डीफेम वो ज़्यादा हो गई है। उनको फेम मिला लेकिन लाइक वो होता ना नोटोरियस और फेमस, तो उन्हें वो नोटोरियस हो गई। तो दोनों खवातीन को कैसे आप इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे? हदीका कियानी इज़ बेटर और मीशा शफी इज़ बेटर पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसमें हम रह रहे हैं? डेफिनेटली आई विल गो फॉर हदीका कियानी। उन्होंने फ्लड विक्टिम्स के लिए कितना काम किया है, पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, उन्होंने काम किया और अभी जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक उन्होंने अभी 100 घर पे मुकम्मल किए हैं, तो फिर वाई वुड नॉट हदीका कियानी एंड वाई मीशा शफी। ठीक है, सारा सैयद मेरे साथ मौजूद थी तो इनकी व्यूज़ भी आपने सुने, मीडिया को ली गए हमारी, और ये माशाल्लाह चार बहनें हैं। तो मेरा क्वेश्चन से यही था कि क्या अभी आपके फादर की जानिब से आपको कोई ऐसा बिहेवियर फेस करना पड़ा कि उन्होंने कहा कि मेरी तो चार बेटियां ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नेवर, कभी भी नहीं, बल्कि उनको प्राउड फील होता है कि उनकी चार बेटियां हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो खवातीन निकली हैं, इनका जो एजेंडा है, इनका जो प्रोपेगेंडा है, वो कुछ और है। ये जो बेसिक राइट्स की बात करती हैं, बेसिकली इनका जो यहाँ पर इकट्ठे होने का जो प्लान होता है, जो इनका मकसद होता है, वो राइट्स की बात करना नहीं होता, बल्कि उनके जो सेल्फ इंडिपेंडेंस हैं, जो उनकी अपनी ज़ात के लिए, अपनी जो उनको आज़ादी चाहिए, ये उसके लिए निकलती है।